वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी ट्रेंड पे, और अब हम ब्रेक से वापस आए हैं और हम मौजूद हैं इनकी कलेक्शन के साथ। तो आइए चल के बीना से हम बात करते हैं इनके कपड़ों के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर मेरे पास एक इनका ड्रेस मौजूद है वो है ब्राइडल वेयर। तो आइए यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अब बताइए आप हमें इस ड्रेस के बारे में कि ये ब्राइडल वेयर है, बारात का है या वलीमे का है, और क्या कपड़ा यूज़ किया है, क्या काम है, ये सारी चीज़ें हमें बताइए। अच्छा, ये ब्राइडल वेयर है और ये बेसिकली जो कलर शॉकिंग पिंक एंड वेरी ब्राइट कलर, तो आई थिंक जो डे फर्स्ट होता है, लाइक जो बारात का दिन होता है, उसमें डार्क कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे ब्राइट प्रेफर करती है कि रेड, मरून, मर्जेंडास एंड शॉकिंग पिंक। अच्छा, ये ज़रा सा डिफरेंट कलर है बिकॉज बहुत कम ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो शॉकिंग पिंक की तरफ जाती हैं, इस पिंक की तरफ जाती हैं। अच्छा, ये ऑर्डर क्या है आपका? जी ठीक, तभी हाँ। तो ये पिंक कलर मैंने दिया है और इसके साथ मैंने ये पैच वर्क करवाया है फिरोजी ग्रीन के साथ। बहुत प्यारा। और आप इसमें देखोगे इसके लहंगे में मैंने रस्ट कलर का भी एक और कलर भी ऐड किया है। और ये सिल्क है, इट्स अ जामावार सिल्क, प्योर जामावार सिल्क है जो पूरी शर्ट एंड जो उसका लहंगा है, बट दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है। शिफॉन है, शिफॉन के साथ कुछ जामावार का टच है। ये जामावार शिफॉन का दुपट्टा, मतलब ये जामावार ही है और मतलब ये शिफॉन है और ये सिल्क पर है जो शर्ट और लहंगा। और काम जो है वो कोरा दबका पूरा हैंडवर्क है, इसके साथ मशीन एम्ब्रॉयडरी भी है और बस ये सब। और ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई इन्होंने प्रॉपर डिजाइनर कट दिया हुआ, सादी शर्ट है लेकिन अच्छा लग रहा है, कलर से खेला गया है, कलर काम से खेला है। कलर ज्यादा वो मैंने ज्यादा फोकस्ड किया है क्योंकि ये मेरी क्लाइंट बाहर की है और इनको वही एक ट्रेडिशनल के शर्ट, शॉर्ट शर्ट के साथ एक अच्छा जबकि शॉर्ट अब चल रही है या नहीं? नहीं, इन है, इन है बिल्कुल, मतलब अगर आप पहनना चाहें तो पहने, डिपेंड करता है कि अगर आप इस तरह का लहंगा बना रहे हैं तो उसके साथ तो शॉर्ट शर्ट अच्छी लगेगी। और अगर आप जो है वो लाइक गरारा बना रहे हैं या वो जो फर्शी वाला, तो उसके साथ थोड़ी लॉन्ग अच्छी कोट वोट वगैरह अच्छी लगती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हम नाज़रीन जो इनके कपड़े डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो सारे पार्टी वेयर्स ही हैं। हम आपको कैजुअल भी दिखाएंगे और फॉर्मल, मतलब सेमी फॉर्मल भी दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इन पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो है इसके बारे में बताएं, ये वाला आपने ड्रेसेस पे कुछ शिफॉन और क्या लगाया है? गरारा पैंट है। हाँ, और ये किस चीज में पहना जा सकता है? ऑरेंज तो मुझे लग रहा है मेहंदी मायो वगैरह में चलेगा। एग्जैक्टली, वो आजकल आपको पता है कि ट्रेंड है मायो मेहंदी, शादी का सीजन, येलो जरा वो हो गया है, तो वो लोग थोड़े से ब्राइट कलर्स मांगते हैं। तो ये ब्लॉक प्रिंट के साथ ये गरारा पैंट है और ये आजकल पेपलम शर्ट्स बहुत इन है फ्रॉक स्टाइल में, तो ऊपर पेपलम पहले पैंट्स में थे, अभी शर्ट्स में भी आ गए। बिल्कुल, शर्ट्स में भी है और मैंने जो बनाया है वो गरारा पैंट के साथ पेपलम शर्ट बनाया है। दिस इज वेरी लाइक एग्जैक्टली, बहुत यंग गर्ल्स, 16 गर्ल्स जो मेहंदी में और ढोलकीज में आराम से कैजुअली वेयर करें, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत सादा सा भी है और स्टाइलिश भी है। अच्छा, ये क्या है? ग्रे, क्योंकि ग्रे आप बता रही हैं कि बड़ा इन हो चुका है और इस हवाले अच्छा, से ग्रे जो ऑब्वियसली पेस्टल कलर की फैमिली में से ही आता है और इसमें जो भी ये काम है ये मतलब सारा हैंड वर्क है स्टोन्स का और इसमें मशीन कटवर्क हुआ हुआ है ये पूरा। इसके साथ जो मैंने कॉम्बिनेशन किया है वो बड़ा ही ट्रेंडी, इट्स लाइक अ पिंक बेबी पिंक, बिल्कुल जो बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, डिफरेंट कलर है जो शायद पेस्टल के साथ आपने लाइट ब्राइट को मर्ज किया। एग्जैक्टली, और ये ग्रे जो है वो थोड़ा सा डार्किश शेड की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसका जो लहंगा है वो लेवल करने के लिए दोनों को एग्जैक्टली लाइट बेबी पिंक, कि आपका जो समर से जो आपके ट्रेंड है कलर्स उससे रिलेटेड आपका एक ड्रेस एक पूरा हो जाए। बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये कौन पहन सकता है? ये आप इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए अपनी, जैसे इंगेजमेंट वेयर में आप पहन सकते हो, अगर इसके दुपट्टे को थोड़ा सा हैवी कर लें तो आप ये इंगेजमेंट के लिए बेस्ट है। और है, इसके अलावा आप मेहंदी में और वलीमे में जो दूल्हे की बहनें हो गई, दुल्हन की बहनें, वो पहन सकते हैं वलीमे में। बिल्कुल, वलीमे में पहना जा सकता है और भी बारात में ही पहन सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है, लेकिन वलीमे में ऐसे कलर जरा अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये वही गाउन स्टाइल है पूरा, ठीक है, लाइक इट्स अ ओपन शर्ट, इसका इनर है ये पूरा काम और इट्स अ लॉन्ग। और इसके साथ आपने मेरे ख्याल कुछ पर्पल जामावार में कुछ दिया होगा दुपट्टे में, कुछ ना exactly, कुछ इसके साथ प्लम्प है, इट्स अ प्लम्प। अच्छा, ये बताइए
ये एक बिल्कुल सादी शर्ट दिख रही है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका काम बड़े मज़े का है। ये आपको बताएंगे, कपड़ा मसूरी है और प्योर मसूरी है, और इसमें भी ये सारा मशीन वर्क है विद द हैंड वर्क और स्टोन्स हैं, और ये सारे स्टोन्स जो आपको अच्छा, ये अम्मियों के लिए लग रहा है मुझे कि वो दुल्हन की अम्मी मम्मी ने पहन लिया या सास ने पहन लिया। बिल्कुल, और स्ट्रेट शर्ट्स आप इसको लाइक स्ट्रेट पैंट्स के साथ अच्छे इस तरह के जो ये वाला फूशिया पिंक है, उस फूशिया पिंक के दुपट्टे के साथ आप इसको बहुत ज्यादा यू नो मतलब वैरायटी बहुत अच्छा लगेगा। हां, आप इसको बहुत रिच इसके साथ वैसे आपने दिया क्या है। अच्छा, इसके साथ ये शर्ट है, आप इसका स्ट्रेट पैंट्स दे सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट दे सकते हो, आप सिर्फ गरारा पैंट्स दे सकते हो, आप कुछ भी कर बूट कट दे सकते हो। अब डिपेंड करता है कि अगर ये आंटी ने पहनना है तो वो अपने हिसाब से कैरी करेंगी, लड़की ने पहनना है तो वो अपने हिसाब से कैरी करेंगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे यहाँ एक और आपका ड्रेस दिखा था, ये रहा जनाब, इसके बाद ये वजनी भी बड़ा है नाज़रीन, ये देखें आप, ये आप देखें क्या है, आप ये बुरख़ा ना समझेंगे, बड़ा स्टाइलिश एक ड्रेस है। इसके बारे में बताइए कि इसको क्या कहते हैं और कैसे लोग इसको कैरी कर सकते हैं, कौन कौन लोग। अच्छा, बेसिकली ये काफ्तान कहलाता है और ये एक अरबिक कट है, ये अरब से रिलेटेड है जो बिल्कुल लाइक फ्लेयर में एक ही उसमें आते हैं। ये इसकी बैक साइड है, दिस इज़ फ्रंट एक्चुअली, ये इसका फ्रंट है। सही। तो ये आजकल काफी इन है यहाँ पर, और ये जो मटेरियल यूज हुआ है ये नेट है, इसके ऊपर पूरा हैंडवर्क से कट दाना है, ये कट दाना और मोती है जो क्रिस्टल कहलाते हैं, क्रिस्टल स्टोन कहलाते हैं वो है, तो इसलिए आपको शायद हैवी लग रहा होगा। हैवी लग रहा है वाकई, वो मैं यही सोच रही हूँ, ये देखने में तो बड़ा कोई लाइट सा लग रहा है लेकिन ये उठाने में बड़ा हैवी है। अच्छा, मुझे एक और मैंने देखा था, वैसे तो आपके सारे कपड़े इनके बहुत अच्छे हैं बीना के, दोबारा से मैं इनका ब्रांड नेम लूँगी, दीराज कलेक्शन। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल सादा सा है। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत आपने इन्जॉय किया होगा, क्योंकि आज दिखाने के लिए बहुत सारे कपड़े थे। खैर, ये हमारे लिए बहुत सारे कपड़े थे, इसके अलावा इनकी बहुत सारी कलेक्शन थी जो इन्होंने बताया कि वो कहाँ पर है और आप कैसे इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। बहरहाल, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ अपनी होस्ट जवेरिया नैयर को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए डिज़ाइनर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।